ये गणपति बापा हम कसम खाता है करोड़ों रुपया मिलेगा फिर भी हेरा फेरी नहीं करेगा। फिर हेरा फेरी कभी नहीं करेगा। बुझ गया ये देवा, ये नहीं करने का कसम का फिर भी बुझ गया, तो हेरा फेरी करने का कि नहीं करने का। अरे कल अपने सब सपने हकीकत में बदलने वाले, से मैं सपने में ही रहना चाहता हूँ। कब आ रही है हेरा फेरी 3? क्या अलग होगा इस फिल्म में? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूँ सानिया सैफी। दोस्तों, बॉलीवुड निर्देशक प्रिया दर्शन सुपरहिट फिल्म हेरा फेरी का तीसरा संस्करण बनाने जा रहे हैं। वार्ता के अनुसार साल 2000 में प्रिया दर्शन ने अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल को लेकर सुपरहिट फिल्म हेरा फेरी बनाई थी। फिल्म में परेश रावल का बाबूराव गणपतराव आपटे वाला किरदार आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं कॉमेडी के लिए। परेश के अलावा फिल्म में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी ने भी जमकर हंसाया था। हेरा फेरी 2 को नीरज वोरा ने निर्देशित किया था और इस सीरीज की तीसरी कड़ी को इंद्र कुमार के निर्देशित करने की चर्चा थी, लेकिन इंद्र कुमार ने किसी कारण फिल्म को निर्देशित करने से हाथ खींच लिए। अब हेरा फेरी का तीसरा संस्करण प्रिया दर्शन बनाने जा रहे हैं। इस बार हेरा फेरी 3 में टाइम लीप होगा, जिसमें तीनों एक्टर्स अपने वर्तमान उम्र से नजदीक उम्र का किरदार निभाते नजर आएंगे। इसमें अक्षय कुमार राजू, परेश रावल बाबूराव और सुनील शेट्टी श्याम के बदले हुए रूप में नजर आएंगे। प्रिया दर्शन ने इस बात की पुष्टि दी है कि वो अक्षय, सुनील और फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज के साथ बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल वो एक मलयालम फिल्म मरकर द लॉयन ऑफ अरेबियन सी में व्यस्त हैं, जो कि जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर काफी शानदार है और इस ट्रेलर को काफी तारीफें भी मिल रही हैं। अभी फिलहाल अक्षय अपनी अपकमिंग फिल्म्स के प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी है। दोस्तों, जल्द ही इस फिल्म से जुड़ी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स भी होने वाली हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द फिल्म पर काम शुरू कर दिया जाए, क्योंकि आखिर बाबूराव, श्याम और राजू की तिगड़ी को देखने के लिए कौन बेकरार नहीं है। इस फिल्म से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूँ सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।